सर आजमगढ़ में 219 मदरसे पकड़े गए हैं जो कागजों पर चल रहे थे, फर्जी मदरसे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी। ये सारी चीज़ें पिछले सरकारों के पाप हैं जिन लोगों ने बंदरबांट किया है। हमारी सरकार आने के बाद से ट्रांसपेरेंट तरीके से, आज डिजिटल युग है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे दर्ज कर रही है। ये उसी समय की सब चीज़ें हैं और इसको जांच करके आज रिपोर्ट आई है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन मदरसों को जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई बहुत उचित कार्रवाई है और होनी चाहिए। किस तरीके से इन मदरसों को एफिलेशन दिया गया था, किस सत्र में इनको एफिलेशन मिला है और आधुनिकीकरण के नाम पर कितना पैसा इन मदरसों ने लिया है? अब ये 2008-09 के मान्यता की बातें हैं और 2014-15-16 में इनको जो है जो आधुनिक शिक्षक है उनको पैसे मिलते मिले, हम कितने पैसे मिले हमको जानकारी नहीं है। कोई अनुदान मदरसे नहीं है, ये आधुनिक शिक्षकों का लाभ पाने के लिए इस तरह की चीज़ें किए हैं और ये सब पुरानी सरकारों के ही पाप है। इस सरकार में इस तरह की चीज़ें न हो सकती है न होने दी जाएगी।